दोस्तों, आप लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी फ्लोरिडा से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम कार्ल क्रूजेल निकिक है। उनका कहना है कि पानी में कई विमान और जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन वो कैसे लापता हो गए इसका कोई सबूत नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वैज्ञानिक ने अपने खुलासे में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर क्या क्या कहा है। दोस्तों, मैं हूं शिवा राजपूत, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा है कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिक के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता होते रहते हैं। उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। समुद्र में यह 7,000 वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे ज्यादा होते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के भूमध्य रेखा के पास होने और अमेरिका से नजदीक होने पर यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेल निकिक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक के आंकड़े का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही है। उन्होंने फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य से भी पर्दा उठाया। इन जहाजों को गायब होने के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय कहा जाने लगा। उन्होंने कहा है कि वास्तविकता यह है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने विमानों पर गहरा असर डाला। कार्ल क्रूजेल निकिक ने कहा है कि इन जहाजों के उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों के कोई सबूत नहीं मिलते। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।